हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रात की बची हुई दाल का परांठा। वेलकम टू माय चैनल टेक होम क्रिएटिविटी। ये देखिए, ये आटा मैंने ले लिया। जितना आपको आटा लेना है, इसमें मैं बारीक कटा हुआ प्याज लूंगी और ये लिया मैंने बारीक कटा हुआ धनिया। धनिया खूब सारा डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को ना आप ऐसे रब करके डालिएगा, इसकी अच्छी टेस्ट आता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इससे, और जो हाजमा भी कर देती है ये। ये कसूरी मेथी है, आप भी थोड़ी सी कसूरी मेथी डालिएगा इसे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ना डालनी हो तो आप ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं। ये नमक डालें, वैसे तो मसाले सारे होते हैं हमारे दाल के अंदर, लेकिन थोड़ा सा ना जैसे दाल में कहीं कम पड़ जाए आटे के हिसाब से, तो इसलिए मुझे थोड़ा डालना पड़ेगा। ये धनिया है और मिर्ची डाली है मैंने। और ये रात की बची हुई दाल है। और हमारे यहाँ ना दाल जैसे बच्चे कम खाते हैं, बच जाती है, तो मैं दाल को फेंकती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही इसे यूज़ कर लेती हूँ। किसी तरह से बच्चों की डाइट में प्रोटीन जाना चाहिए, तो इसलिए मैं ये दाल का परांठा ऐसे बना लेती हूँ। और जब मैंने ससुराल में पहली बार बनाया था ना, तो मेरी जब जो इन लॉज हैं, मेरी सासू माँ हैं, वो मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब चीज़ों को वेस्ट नहीं करती हूँ और हर चीज़ को यूज़ करती हूँ। पहली बार मैंने भी उनको बना के सिखाया था, तो उनको बहुत अच्छा लगा था। आप कोशिश कीजिएगा कि जितनी दाल हो आप उस हिसाब से आटा थोड़ा कम लें। मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी मसाले में डाल दिए इसमें टेस्ट आ जाएगा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा पहले आटा थोड़ा कम लें, फिर दाल के अकॉर्डिंग आटा आप और मिला लें। जैसे आपको पतला लगे ना जैसे, तो थोड़ा सा और मिला लें। पानी कम ही डालें, ज़रूरत ना पड़े, कोशिश करें पानी की ज़रूरत ना पड़े, आप दाल से ही आटा गूंदें। ये अच्छे से आटा मैंने रसा लिया है, इसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत क्रिस्पी बनता है। और हमारा मोस्टली मैं नाश्ता ये बना लेती हूँ, क्योंकि दाल ज़्यादा हमारे घर में बनती रहती है। कोई भी दाल हो आप, ये नहीं कि आप उड़द की दाल का ही बना सकते हैं, आप मूंग की दाल का, हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, कोई भी दाल हो आप उसका बना सकते हैं। ये थोड़ा सा आप घी लगा लीजिएगा इसमें, इससे आटे में ना पपड़ी नहीं जमती है और आटा सॉफ्ट रहता है। जब आप ये परौंठा बनाएं, तो परौंठा चाहे आप घी से बनाएं, रिफाइंड से बनाएं, या तेल से, जिससे भी आप खाते हो आप उससे बनाएं। वैसे मैं तो यही आपको कोशिश करूंगी ये बोलने की, आप अगर माने मेरी बात कि ये देखिए आटा मेरा पूरा गूंद गया है, आप ये बात मेरी माने ना, तो आप रिफाइंड अवॉइड ही करें। अवॉइड ना हमारी मतलब जो रिफाइंड हमारे लिए अच्छा नहीं रहता खाने के लिए, तो मैं तो देसी घी में ही बनाती हूँ। ना हो तो मैं सरसों का तेल या पीली सरसों का तेल आता है ना, मैं उसमें बनाती हूँ। लेकिन मैं कभी भी रिफाइंड मैंने छोड़ ही दिया यूज़ करना, आखिर मेरे टांगों में बहुत दर्द रहती थी, तो मैंने जो सुना है कि वो गोडों के लिए अच्छा नहीं रहता, तो मैं तो वही देसी घी में ही बनाती हूँ परौंठे जब भी बनाती हूँ। आप जो भी इसको बेलिए आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। इसकी थोड़ा सा थिकनेस रखिएगा, पतला मत कीजिएगा, इससे थोड़ा नरम बनता है, नहीं तो बिल्कुल कड़क क्रिस्पी सा बन जाएगा। ये मेरा तवा गर्म हो गया है, अब मैंने इसे इसको डाल दिया है परौंठे को। देखिए अच्छे से मीडियम इस पे सेकिएगा, ये एक साइड से पलट दिया मैंने और देसी घी में लगा के सेक रही हूँ। मैं तो थोड़ा कम घी खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना और भी बहुत सी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं घी अवॉइड ही करती हूँ। तो ये बच्चों के लिए मैं बना देती हूँ घी वाला जैसे, लेकिन मैं तो घी कम ही खाती हूँ। ये अच्छे से आप दबा दबा के करारा कर लीजिएगा, सेक लीजिएगा दोनों तरफ से पलट पलट के। एक तरफ मैंने अपने लिए चाय रख रखी है और हमारा ये सुबह का नाश्ता बन रहा है। बच्चों को तो बहुत पसंद आता है मेरे ये परौंठे, अच्छे से दबा दबा के सेक लीजिएगा। देखिए कितना क्रिस्पी हो गया है परौंठा, इसमें मक्खन लगा के खाएं, देसी घी लगा के खाएं, जो आपको अच्छा लगे, या वाइट मक्खन आता है वो भी बहुत अच्छा लगता है।
मैं मक्खन भी घर में बनाती हूँ। ये देखिए मेरा परांठा कितना अच्छा तैयार हुआ है बनके। मैं ऐसे अपने और परांठे भी सेक लूँगी नाश्ते के लिए, क्योंकि हमारा नाश्ते का टाइम हो रहा है। ये देखिए ये भी कितना अच्छा बना है। अगर मेरी मानिए ना तो वाइट मक्खन का जरूर आप टेस्ट कीजिएगा इसके साथ। ये देखिए मेरे परांठे बनके तैयार हैं, ये दही है और ये मेरी चाय भी रेडी हो गई है। चलिए हम तो चलिए।